हेलो स्टूडेंट्स हेलो बच्चों कैसे हो आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है आई होप लिटिल बिट लिटिल बिट सब पढ़ रहे हैं एग्रीड सो so बच्चे आज टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इम्पोर्टेंट ड्रग फॉर कैसे हो वी विल डिस्कस अ वेरी इम्पोर्टेंट ड्रग एंड वी ऑल नो इट्स अ वेरी फेमस ड्रग ऑलो दैट इज डाइजॉक्सन एंड वॉट इज डाइजॉक्सन बच्चे डाइजॉक्सिन इज अ टाइप ऑफ अ cardiac glycoside now what do you mean by cardiac glycoside cardiac means it will act on heart and glycoside is the chemical nature of digoxin okay so glycoside is a chemical nature of digoxin now a very interesting fact is that this digoxin it is a plant product it is a plant product and it is obtained from a plant known as digitalis plant. It is obtained from digitalis plant. We can see the flower of this digitalis plant—a great pink-like pink flower with a very long base. This plant it is also known as foxglove plant. And there was a very famous scientist who extracted digoxin from this plant the name of that scientist was william withering so with scientist william withering this scientist isolated or extracted digoxin from this digitalis plant or foxglove plant now let's discuss everything all the properties of digoxin now now first point what is the mechanism of action of digoxin? So we have to remember two important points that this digoxin it is a positively inotropic drug. Now, what do you mean by inotropic drug? This digoxin acts on heart and it increases force of contraction. इट इंक्रीजेस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑन मायोकार्डियम दैट मीन्स डाइजॉक्सिन जो है हार्ट की मसल्स पे काम करता है और जैसे ही वो मसल्स पे काम करता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ता है कैन वी से इफ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीजेस कैन वी से इट विल इंक्रीज कार्डिक आउटपुट हार्ट से जो ब्लड पंप होगा बाहर वो इंक्रीज हो जाएगा नाउ एज कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेस कौन सा बच्चा मुझे बताएगा यस अर्जुन आई एम वेरी वेल एंड आई होप आप भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं सो so, अब एक बात बताइए अगर कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा तो आप डाइजॉक्सिन को कौन सी बीमारी में यूज करेंगे देर इज अ डिजीज इन विच कार्डिक आउटपुट फॉल्स दैट इज वाई डाइजॉक्सिन इज गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर डाइजॉक्सन इज गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर सिंपल एंड ईजी नाउ दिस इज पॉजिटिवली आइनोट्रॉपिक इफेक्ट ऑफ डाइजॉक्सन बट वी हैव टू रिमेंबर दैट डाइजॉक्सन इज नेगेटिवली क्रोनोट्रॉपिक ड्रग एंड डाइजॉक्सिन इज नेगेटिवली ड्रोमोट्रोपिक ड्रग अब इसका मतलब क्या है नेगेटिवली क्रोनोट्रॉपिक मीन्स दैट डाइजॉक्सिन इनहिबिट एसे हार्ट हार्ट पे एस ए नोड को इनहिबिट करता है नेगेटिवली ड्रोमोट्रॉपिक का मतलब इट इनिबिट एवी नोड ऑन हार्ट तो हार्ट की मसल्स को तो यह एक्टिवेट करता है कहता है कि ज्यादा काम करो पर एसे नोड और एवी नोट को डाइजॉक्सिन ब्लॉक कर देता है नाउ माई क्वेश्चन इज आ क्या आप में से कोई बच्चा बताएगा एनी स्टूडेंट हु कैन टेल मी विच नर्व सप्लाई ऑन हार्ट इनहिबिट और एवी नोड विच नर्व कम्स ऑन हार्ट एंड ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ एस नोड एंड एवी नोड एनी स्टूडेंट कैन टेल मी येस इट इज वेगस नर्व वेगस इज अ पैरासिंपथेटिक नर्व सो डोंट यू थिंक ऑन एसे नोड एंड एवी नोड डाइजॉक्सन इज Acting like vagus nerve. This property of digoxin is known as vagomimetic action of digoxin. This is known as vagomimetic action of digoxin. Now, because of this reason, can we say that digoxin by inhibiting SA node decreases heart rate? and by inhibiting av node the conduction from atria to ventricle will be stopped hence digoxin decreases conduction from atria to ventricle now because of this property where digoxin is used Dijoxin is given in the treatment of supraventricular tachycardia. It is given in the treatment of supraventricular tachycardia, which is also known as atrial flutter and fibrillation, which is also known as atrial flutter and fibrillation. Now, Bachelo, why atrial flutter and fibrillation? Very simple reason. रिमेंबर दिस इज अर्ट ये हार्ट है एंड दिस इज एस ए नोड एंड दिस इज एवी नोड वेरी सिंपल वेरी सिंपल नाउ वी नो दैट इंपल्स दे गो फ्रॉम एस ए नोड टू एवी नोड एंड फ्रॉम एवी नोड इट गोस टू वेंट्रिकल नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ एरिदमिया ऑन हार्ट एट्री और वेंट्रिकल को अलग से डिवाइड कर देते हैं सर अगर एट्रिया ज्यादा बीट करता है वी कॉल इट एज सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकी कार्डिया और अगर वेंट्रिकल ज्यादा बीट करता है तो इसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर टेकी कार्डिया डो यू एग्री विद दिस पॉइंट वेन एट्रिया बीट मोर इट इज नोन एज एस वी टी वेन वेंट्रिकल बीट मोर इट इज नोन एज वी टी सो मान के चलते हैं ये एट्रिया है ये वेंट्रिकल है फिब्रिलेशन फ्लटर नाउ रिमेंबर दिस वेंट्रिकुलर फ्लटर एंड फिब्रिलेशन विच अकर्स इन वेंट्रिकुलर टेकी कार्डिया इट इज हाईली डेंजरस इसीलिए वेंट्रिकुलर टेकी कार्डिया को तो हम बहुत ही एग्रेसिवली मैनेज करते हैं कैसे मैनेज करते हैं सबसे पहले हम शॉक देते हैं जिसे आप बोलते हो कार्डियोवर्जन और उसके बाद हम पेशेंट को एंटी एरिदमिक ड्रग देते हैं एमियोडेर विच इज नाउ कंसिडर्ड टू बी द ड्रग ऑफ चॉइस एक और ड्रग दे सकते हैं लिग्नोकेन ठीक है ये एंटी एरिदमिक ड्रग है बट रिमेंबर अगर एट्रिया ज्यादा बीट कर रहा है इट इज नॉट डेंजरस बिकॉज एट्रिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डिक आउटपुट अगर एट्रिया ढंग से बीट नहीं करता रिमेंबर नो प्रॉब्लम बिकॉज ब्लड जो है ग्रेविटी से एट्रिया से वेंट्रिकल में पहुंच जाता है नाउ रिमेंबर द मेन प्रॉब्लम इन एसवीटी इज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ एसवीटी इज वी हैव टू प्रिवेंट वीटी बिकॉज वेंट्रिकुलर टेकी बहुत डेंजरस होता है तो हमारा एसवीटी में मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है हमारा सर मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि ये इंपल्स नीचे वेंट्रिकल पे ना आए तो एसवीटी का ट्रीटमेंट क्या होता है सर ये जो इम्पल्स हैं ये वेंट्रिकल में ना आए हम जानते हैं सारी इम्पल्सिस एट्रिया से वेंट्रिकल में एवी नोड के थ्रू आती है सो टेल मी To prevent ventricular tachyarrhythmia in SVT, we have to block which node? We have to block AV node. Do you agree with this point? We have to block AV node, and we know that digoxin is one of the option which can block AV node. डाइजॉक्सिन इज वन ऑफ द ऑप्शन विच कैन ब्लॉक हम डाइजॉक्सिन को एसवीटी में क्यों देते हैं क्योंकि डाइजॉक्सिन एवी नोट को ब्लॉक करता है सो so, एक बार दोबारा देखते हैं स्लाइड आई होप सब बच्चों को यह स्लाइड समझ आई दैट डाइजॉक्सिन इज अ पॉजिटिवली आइनोट्रॉपिक ड्रग इट इंक्रीजिज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है और डाइजॉक्सिन इज गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर वाइल डाइजॉक्सिन इज अ नेगेटिवली क्रोनोट्रॉपिक ड्रग एंड नेगेटिवली ड्रोमोट्रॉपिक इट इनिबिट एस एनोडोड दिस इज नोन एज वेगो माइमेटिक इफेक्ट ऑफ डाइजॉक्सिन

वो तो नेगेटिवली आइनोट्रॉपिक होती है अगर वेगस नर्व की बात करें वेगस नर्व तो कार्डिक आउटपुट भी कम करती है बट सर डाइजॉक्सिन तो कार्डिक आउटपुट बढ़ा रहा है सो रिमेंबर दिस आइनोट्रॉपिक एक्शन ऑफ डाइजॉक्सिन वाई इट इज कमिंग लेट्स अंडरस्टैंड वाई डाइजॉक्सिन प्रोड्यूस आइनोट्रॉपिक इफेक्ट Although the digoxin is vagomimetic, still it increases the force of contraction. So, let's talk about the inotropic action of digoxin. The inotropic action of digoxin comes because digoxin inhibits sodium potassium ATPase. A channel inhibits digoxin. Dijoxin inhibit sodium potassium atps on muscles of the heart that is myocardium it inhibits sodium potassium atps on myocardium of heart now sir question is if we inhibit this channel how there is increase in force of contraction so let's understand how the, what is the importance of this channel sodium potassium atps so, suppose, sir, this is myocardium and outside we have blood. Now, sir, on this myocardium, we have a channel known as sodium potassium ATPase. The function of sodium potassium ATPase is to throw back sodium and to bring back potassium inside the heart. एंड दिस चैनल विल नॉट वर्क फॉर फ्री ये फ्री में काम नहीं करेगा इसको साथ में क्या चाहिए इट रिक्वायर्स ए टीपीएस एनर्जी सो दिस इज नोन एज सोडियम पोटेशियम ए टीपीएस नाउ लेट्स आउ डाइजॉक्सिन एक्ट डाइजॉक्सिन कम्स फ्रॉम आउटसाइड एंड डाइजॉक्सिन इट ब्लॉक्स विथ साइट ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस विथ स्टूडेंट कैन टेल मी डाइजॉक्सन इस चैनल में कौन सी साइट को ब्लॉक करता है सोडियम वाली साइट को ब्लॉक करता है कि पोटेशियम वाली साइट को ब्लॉक करता है सी दिस डायग्रामेंटन मी कैन वी से दैट डाइजॉक्सन ब्लॉक्स पोटेशियम साइट ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस तो डाइजॉक्सिन और पोटेशियम के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है फॉर बाइंडिंग ऑफ सोडियम पोटेशियम ए टीपीएस हेंस दिस चैनल बिकम्स ब्लॉक्ड नाउ थिंक लॉजिकली एंड टेल मी अगर ये चैनल काम नहीं करेगा इट बिकम्स ब्लॉक्ड इनसाइड द सेल विच आयन इंक्रीजेस सेल के अंदर कौन से आयन का लेवल बढ़ जाएगा कैन वी से इट विल इंक्रीज इंट्रासेल्युलर सोडियम सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा एवरी वन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इट इंक्रीजेस सोडियम लेवल फाइन सो इट इंक्रीजेस इंट्रा सेल्युलर सोडियम फाइन ना इफ देर इज इंट इंक्रीज इन इंट्रासेल्युलर सोडियम दिस सोडियम इन्हिबिट्स वन मोर चैनल इस चैनल का सर काम होता है सोडियम को अंदर लाना और पोटेशियम को उसके एक्सचेंज में बाहर फेंकना इफ ऑलरेडी द लेवल ऑफ सोडियम इज वेरी हाई इन साइड द सेल दिस चैनल विल स्टॉप फंक्शनिंग लेट्स कॉल दिस चैनल एज एनी स्टूडेंट हु कैन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ दिस चैनल एनसीएक्स बताओ इस चैनल का फुल फॉर्म क्या है एनसीएक्स एनसीएक्स स्टैंड फॉर सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन कैन वी से इट विल इनहिबिट एनसीएक्स नाउ कैन यू टेल मी इफ एनसीएक्स इज इनहिबिटेड इनसाइड द सेल लेवल ऑफ विच आयन विल इंक्रीज इट विल इंक्रीज Intracellular calcium. It will increase intracellular calcium. Everyone agrees with this point? Yes. Now we all know calcium is required for binding of actin and myosin. Calcium is required for binding of एक्टिन एंड मायोसिन सर अगर ज्यादा कैल्शियम होगा तो ज्यादा एक्टिन और मायोसिन आपस में बाइंड करेगा एंड इफ देर इज मोर बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन वॉट विल हैपन मसल्स का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा इट विल प्रोड्यूस आइनोट्रॉपिक इफेक्ट अगर कैल्शियम ज्यादा है तो इट विल प्रोड्यूस आइनोट्रॉपिक इफेक्ट मोर बाइंडिंग ऑफ एक्टेन विद मायोसनबिलीड टू आइनोट्रोपिक इफेक्ट सो आई होप इट्स वेरी सिंपल एक बार रिवाइज करते हैं तो सबसे पहले डाइजॉक्सिन ने किसको इनिबिट किया को, का लेवल बढ़ गया ज्यादा सोडियम से क्या इनिबिट हो गया एनसीएक्स से इनिबिट हो गया एनसीएक्स से किसका लेवल बढ़ गया कैल्शियम का लेवल बढ़ गया और कैल्शियम ने क्या किया आइनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया दिस इज द मैकेनिजम ऑफ एक्शन ऑफ डाइजॉक्सिन वेरी गुड अब इफ यू हैव अंडरस्टुड दिस स्टोरी देर आर टू क्वेश्चन विच कैन सिंपली आंसर बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में सर इस पार्ट पे फोकस करो नाउ आई एम आस्किंग यू अ सेम क्वेश्चन अगेन डाइजॉक्सिन सोडियम पोटेशियम ए टी पी एस में कौन सी साइट को ब्लॉक करता है वी से डाइजॉक्सिन ब्लॉक्स पोटेशियम साइट डू यू एग्री विद पॉइंट नाउ टेलमी इफ इनसाइड द ब्लड कौन सा बच्चा मुझे बताएगा देखते हैं सर अगर ब्लड में पोटेशियम कम है लेट्स ए इफ देर इज हाइपोकैलीमिया इन ब्लड वट विल हैपन टू बाइंडिंग ऑफ डाइजॉक्सन ऑन हार्ट कौन सा बच्चा बताएगा अगर ब्लड में पोटेशियम कम है तो डाइजॉक्सिन की हार्ट में बाइंडिंग क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी इफ देर इज हाइपोकैलीमिया हाइपोकेलीमिया कैन वी से इट इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ डाइजॉक्सिन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव बाइंडिंग ऑफ डाइजॉक्सिन इट कैन लीड टू एरिदमिया ऑन हार्ट डाइजॉक्सिन से एक्सेसिव बाइंड कर जाता है तो हार्ट में एरिदमिया हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन डाइजॉक्सिन इज एप्सल्यूटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केसेस ऑफ हाइपोकेलीमिया डाइजॉक्सिन को हम हाइपोकैलीमिया में नहीं देते क्योंकि हम नहीं चाहते डाइजॉक्सिन कुछ ज्यादा बाइंड कर जाए एरिदिया होने से सडन डेथ हो सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा सोडियम और कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा हम वो भी नहीं चाहते सो डाइजॉक्सिन इज इंडिकेटेड इन हाइपोकैलिमिया फर्स्ट पॉइंट एमसीक्यू नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं टेल मी सर मान के चलिए इसी डायग्राम पे दोबारा आते हैं मान के चलिए कि हमने ज्यादा डाइजॉक्सिन दे दिया पर बाहर पोटेशियम नॉर्मल है पोटेशियम अभी नॉर्मल है पर हमने डायजॉक्सिन ज्यादा दे दिया तो बताइए विल एक्सेसिव बाइंडिंग ऑफ डाइजॉक्सिन ऑन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस अगर डाइजॉक्सिन इस चैनल पे बाइंड हो जाता है तो ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम होगा कि ज्यादा होगा डाइजॉक्सिन वेन बाइंड टू द हार्ट इंक्रीज ब्लड पोटेशियम लेवल और रिड्यूस ब्लड पोटेशियम लेवल ओके यस हर्षित आई विल कम बैक टू यू हर्षित आई विल कम बैक टू यू नाउ यू विल राइट दैट डाइजॉक्सिन इट्स सेल्फ कॉजेस डाइजॉक्सिन इट्स सेल्फ कॉजेस हाइपर कैलिनिया डाइजक्सिन इट्स सेल्फ कॉजेस हाइपर कैलिनिया बट बट डाइजॉक्सिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन बट डाइजॉक्सिन ज कॉन्ट्राइंडेटेड इन हाइपोकैलीमिया तो बताओ बच्चे किन को ये बात समझ आ गई सब बच्चों को यह बात समझ आ गई सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यू शुड नो कि डाइजॉक्सिन खुद तो हाइपर कैलीमिया करता है बट अगर पहले से हाइपोकैलीमिया है इफ देर इज ऑलरेडी हाइपोकैलीमिया सो रिमेंबर डाइजॉक्सिन इज Contraindicated. Agreed. So these are the two different MCQ you must remember. Digoxin itself causes hyperkalemia, but digoxin is contraindicated in hypokalemia. Hypokalemia means when the blood potassium level is less than 3.5 milliequivalent per liter. Agreed. This is known as hypokalemia. आई होप सबको ये बात समझ आई एंड कभी भी नहीं बोलेंगे हम सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड लेट्स टॉक अबाउट द यूज ऑफ डाइजॉक्सिन विच नाउ वी ऑलरेडी नो डाइजॉक्स फर्स्ट यूज डाइजॉक्सिन इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक हार्ट फेलियर डाइजॉक्सिन इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर Chronic heart failure because digoxin has a inotropic effect because of its inotropic action. Okay, Harshit, don't worry. I'll give you my all details. You can ask me anything. You can ask digoxin. It is also given for the treatment of SVT, that is atrial flutter and fibrillation. and can you tell me by giving digoxin in atrial flutter and fibrillation can we say because of which property because digoxin inhibit sa node and av node because of this property we give digoxin in cases of svt i hope everyone understood this point now let's talk about adverse effect of digoxin डायजॉक्सिन इज अ वेरी वेरी डेंजरस ड्रग डायक्सिन इज वेरी डेंजरस एंड रिमेंबर डाइजॉक्सिन रिक्वायर्स मॉनिटरिंग विच मॉनिटरिंग थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग देखिये बच्चे थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का मतलब होता है वी चेक द ब्लड लेवल्स ऑफ डाइजॉक्सिन कंटिन्यूसली वी चेक द ब्लड लेवल ऑफ डाइजॉक्सिन कंटिन्यूअसली because little bit increase in the blood level of digoxin can lead to adverse effect so can you tell me what should be the normal plasma levels of digoxin the normal plasma level of digoxin is 0.8 to 2 nanogram per ml देखिए ब्लड में बड़ी थिन रेंज है जिसमें डाइजॉक्सिन काम करता है 0.8 से 2.0 नैनोग्राम पर एमएल की रेंज होनी चाहिए रेंज होनी चाहिए अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया डाइजॉक्सिन ब्लड में इसकी टॉक्सिसिटी आ जाएगी सो वट आर द एडवर्स इफेक्ट लेट्स क्लासीफाई दो इफेक्ट इन टू नॉन एंड कार्डियक साइड इफेक्ट ऑफ डाइजॉक्सन तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट नॉन कार्डियक साइड इफेक्ट्स ऑफ डाइजॉक्सिन नॉन कार्डियक, डाइजॉक्सिन के हार्ट के अलावा बाहर क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं? नॉ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ डाइजॉक्सिन इज नॉजिया एंड वॉमिटिंग वो तो हम सभी ड्रग के साथ लिख देते हैं बिकॉज डायजॉक्सिन स्टूमुलेट वन एरिया इन ब्रेन कोई बच्चा बता सकते हैं सिटीजेड एरिया क्या होता है

ये आइस में आता है द कैरेक्टरिस्टिक साइड इफेक्ट दैट इज इजॉप्सिया कॉजेस जेन्थॉप्सिया जेन्थोप्सिया बच्चे लोग मींस येलो विजन दिस इज एन एमसीक्यू वेरी कॉमनली आज द रीजन इज ऑन रेटिना डायजॉक्सन इंटरफेयर्स विद सोडियम पोटेशियम एटीपीएस ऑन रेटिनल न्यूरॉन्स रेटिना में न्यूरॉन्स होते हैं, ये वहां पे इंटरफेयर करता है, येलो विजन हो जाती है वेरी गुड वेरी गुड थर्ड पॉइंट और हाइपर किया, डाइजॉक्सन से कौन सी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मैलिटी होती है कौन सा बच्चा बताएगा डाइजॉक्सिन से कौन सी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मैलिटी होती है हाइपर अभी हमने पढ़ा लास्टली डाइजॉक्सिन कैन कॉज गाइनिकोमेस्टिया डाइजॉक्सन कैन कॉज गाइनिकोमेस्टिया सो दीज आर द साइड इफेक्ट नॉन कार्डिय साइड इफेक्ट अब आप देख रहे हैं ज्यादातर कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है हाइपर कैलीमिया तो फटाफट मैनेज करो नाउ द मेन प्रॉब्लम विथ डाइजॉक्सिन इज कार्डियक साइड इफेक्ट नाउ कार्डियक साइड इफेक्ट कैन बी डेंजरस बिकॉज डाइजॉक्सन कैन कॉज एरिदमियास ऑन हार्ट डाइजॉक्सिन से क्या हो जाते हैं हार्ट में एरिदमियास हो जाते हैं इसीलिए डाइजॉक्सिन के लेवल को हमेशा हमें क्या करना है मॉनिटर करना है डेट इज वाई डायजॉक्सिन रिक्वायर्स मॉनिटरिंग एग्री सो लेट्स चॉक अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ एरिदमियाज स बाय डाइजॉक्सिन एंड हाउ टू मैनेज बाय डाइजॉक्सिन ओके अभी बेटा आप सबके क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं डाइजॉक्सिन खत्म करते नाउ द मोस्ट कॉमन एरिमिया कॉस बाय डाइजॉक्सिन मोस्ट कॉमन एरिदिया कॉस बाय डाइजॉक्सिन वेरी सिंपल बच्चे डोंट यू थिंक हार्ट के अंदर सोडियम और कैल्शियम का लेवल ज्यादा है इफ देर इज मोर अमाउंट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम इनसाइड द मसल्स ऑफ द हार्ट डोंट यू थिंक मसल्स विल बीट एक्सेसिवली डो यू एग्री मसल्स विल बीट एक्सेसिवली सो इट लीड्स टू प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स मतलब एक के बजाय वेंट्रिकल दो बार बीट कर जाएगा तो इसमें भी अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन इज वेंट्रिकुलर बाई जेमिनी बिकॉज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन सोडियम एंड कैल्शियम इन साइड द हार्ट लीड टू एक्सेसिव नाउ देर इज अ पॉइंट आउट हेयर बच्चे लोग एक बात बताओ एक बात बताओ सिंपल सी बात हर्षित आई विल गेट बैक टू यू डोंट वरी हैव माय वर्ड्स एक बात बताओ बच्चे नॉर्मली वेंट्रिकल ऐसे बीट कर रहा है दो बार बीट कर गया कुछ हुआ आपको कुछ होगा नॉर्मली आप पल्स देख रहे हो रेगुलर आ रही है दो बार आ गई बीच बीच में वेंट्रिकल एक बार एक्स्ट्रा बीट कर गया एक एक्स्ट्रा एक सिस्टॉल हो गया कोई प्रॉब्लम की बात रिमेंबर प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स आर एसिम्प्टोमेटिक इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती सो इट इज ए एसिम्टोमैटिक एरिदिया एंड इफ एन एरिदमिया इज ए एसिम्टोमेटिक वी डोंट ट्रीट दैट एरि क्या डू यू रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट ऑफ प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर बीट इट रिक्वायर्स नो ट्रीटमेंट इसकी कोई ट्रीटमेंट की हमें जरूरत नहीं है हो रहा होने दो कोई बात नहीं नाउ मोस्ट फेटल एरिदमिया मोस्ट फेटल एरेडिमिया डाइजॉक्सिन वी ऑल नो एज वी एफ बताओ बच्चे वट इज वी एफ इसी में पेशेंट की डेथ होती है नॉर्मली वेंट्रिकल ऐसे बीट करता है वी एफ में बेटा बेटा ऐसे कांपता है दिस इज वेंट्रिकुलर फेब्रिलेशन दिस इज नॉर्मल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दिस इज वेंट्रिकुलर फेब्रिलेशन मतलब हार्ट रेट बहुत ज्यादा है बट दर इज इन इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन तो बताओ इफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है तो कार्डिक आउटपुट जीरो पेशेंट विल डाई सडनली डू यू ट्रीट एज अ डॉक्टर वुड यू ट्रीट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन यस इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट यस इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट बिकॉज इट इज अ वेरी डेंजरस एरिदिमिया सो फर्स्ट वी गिव कार्डियोवर्जन एंड कार्डियोवर्जन के बाद द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिब्रिलेशन कॉस हम लिग्नोकेन इज लिग्नोकेम नहीं देते क्या देते हैं दे सकते हैं बट रेयरली यूज होता है फेनीटॉइन सो यू गिव आइदर लिग्नोकेन और फेनीटॉइन बट ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज लिग्नोकेन फाइन विच एरिथमिया डाइजॉक्सिन डस नॉट प्रोड्यूस कौन सा एरिथमिया डाइजॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस करता दैट इज एट्रियल एट्रियल फ्लटर विथ एवी जस्ट मोमेंट एट्रियल फ्लटर इट डज नॉट प्रोड्यूस एट्रियल फ्लटर द रीजन इज बिकॉज डाइजॉक्सिन डाइजॉक्सन कन्वर्ट्स एट्रियल फ्लटर टू एट्रियल फिब्रिलेशन क्योंकि डाइजॉक्सिन फ्लटर को एट्रियल फ्लटर को फिब्रिलेशन में कन्वर्ट कर देता है डाइजॉक्सन से मल्टीपल फोकाई बन जाते हैं जो फायर करना शुरू कर देते हैं एट्रिया में इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे ऐसा क्यों होता है ओके दैट इज इॉजिकल सो दिस इज अ स्लाइड विच इज इन फ्रंट ऑफ यू दैट हाउ टू मैनेज डाइजॉक्सन इंड्यूस्ड एरिदमिया एंड विच एरिदमिया इज मोस्ट कॉमन बाय डाइजॉक्सन सो एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू फाइन सो लेट्स टॉक अबाउट इफ अ पेशेंट केम विद डाइजॉक्सन टॉक्सिसिटी कैसे पता लगा डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी सर प्लाज्मा लेवल्स ऑफ डाइजॉक्सिन इज मोर देन 2.0 नैनोग्राम पर एम प्लस द पेशेंट इज हैविंग सिम्टम्स ऑफ एरिदमिया दिस शोज द पेशेंट इज हैविंग डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इससे हमें पता लगता है कि पेशेंट को एरेदिमिया हो रहे हैं और आपने ब्लड लेवल देखा डाइजॉक्सिन का जो ब्लड लेवल है टू से ज्यादा है नाउ हाउ टू मैनेज डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी फर्स्ट पॉइंट नॉर्मली किसी भी ड्रग की टॉक्सिसिटी होती है हम हीमोडायलिसिस करते हैं इन डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी देर इज नो no रोल ऑफ हीमोडायलिसिस फर्स्ट पॉइंट हीमोडायलिसिस का कोई रोल नहीं है वाइ बिकॉज सर हीमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं अगर डाइजॉक्सिन ब्लड में है हम ब्लड में से डाइजॉक्सिन को फिल्टर कर देते हैं दिस इज हिमोडाइलेसिस बट सर डाइजॉक्सिन तो ब्लड में होता ही नहीं है डाइजॉक्सिन इज अटैच टू हार्ट द रीजन विल राइट इज डाइजॉक्सिन हैज हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डाइजॉक्सिन का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है ना वट यू मीन बाय हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स दैट डाइजॉक्सिन इज मेनली डिपॉजिटेड एक्स्ट्रा वैस्कुलरली डाइजॉक्सिन ब्लड में नहीं होता डाइजॉक्सिन एक्स्ट्रा वैस्कुलरली ऑर्गन्स में डिपॉजिट होता है बी डी का मतलब ड्रग ब्लड में नहीं है ड्रग ऑर्गन्स में डिपोजिटेड है इस केस में ब्लड को फिल्टर करने से कुछ नहीं मिलेगा तो एनी ड्रग विच हैज अ वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लड इफ अ ड्रग इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लड वी डोंट डू हीमोडिस सो वट इज द एंटीडोट ऑफ डाइजॉक्सन हाउ टू ट्रीट इट द एंटीडोट ऑफ डाइजॉक्सन इज Digibind. Likhenge, anti-dot of digoxin is digibind. Now, digibind, it is also known as digifab. It is also known as digifab. Now, this digibind or digifab, what is this? Remember, it's a antibody. Digifab or digibind, it's an antibody. दैट बाइंडस अगेंस्ट दैट बाइंड्स टू डाइजॉक्सिन तो इसमें आप देख रहे हो बाइंड वर्ड आ रहा है और डिजी वर्ल्ड आ रहा है तो इट्स एन एंटीबॉडी दैट विल बाइंड टू डाइजॉक्सिन अब बच्चे लोग आप सब जानते हो कि एक एंटीबॉडी का क्या स्ट्रक्चर होता है सर यह एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर है दिस इज एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी हैज टू पार्ट्स हम सब जानते हैं ये ऊपर वाला पार्ट को हम बोलते हैं फैप पोर्शन और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं एफ सी पोर्शन हम सब जानते हैं ये जो फैप पोर्शन होता है इट बाइंड टू डाइजॉक्सिन ये डायरेक्टली डाइजॉक्सिन से बाइंड करता है और उसे न्यूट्रलाइज कर देता है और उसे न्यूट्रलाइज कर देता है नाउ वॉट वी हैव डन सर हमने इस एंटीबॉडी में से ये एफसी पोर्शन को रिमूव कर दिया हमने क्या रिमूव कर दिया एफसी पोर्शन रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बचा क्या बचा हमारे पास हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फैब फ्रेगमेंट बचा ये सिर्फ फैब फ्रेगमेंट है सो दिस इज वाई इट इज नोन एज डिजी फैब सबको बात समझ आई इट इज अ फैब फ्रेगमेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ओनली फैब फ्रेगमेंट इसमें कौन सा पार्ट होता है इस एंटीबॉडी में सिर्फ फैब फ्रेगमेंट वाला पार्ट होता है नीचे वाला एफसी पोर्शन नहीं होता आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट वेरी गुड नेक्स्ट पॉइंट इज डाइजॉक्सिन इंड्यूस्ड एरिदमिया कैसे ठीक करें सर वेरी सिंपल सर सपोज दिस इज हार्ट सर दे हैव एफ सी पार्ट वेरी गुड क्वेश्चन बाय वीलो नटराजन बच्चे एक बात याद रखना ये जो फैब वाला पार्ट है ये डाइजॉक्सिन से बाइंड करता है और डाइजॉक्सिन को क्या कर देता है न्यूट्रलाइज कर देता है डाइजॉक्सिन को फिर हार्ट पे बाइंड नहीं होने देता सर बच्चे ने सवाल पूछा एफ सी पोर्शन क्यों बच्चे एक बात याद रखना एफ सी पोर्शन एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट पाथवे और जिसकी वजह से क्या हो जाती है इनफ्लमेशन हो जाती है अब वेलू जी आपने क्वेश्चन पूछा क्या आपको एफसी पोर्शन लगाना चाहिए अगर आप एफ सी पोर्शन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा बॉडी में इंफ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी जो हम नहीं चाहते ना है ना आई होप दैट इज वाई वी हैव रिमूव्ड दिस एफ सी पोर्शन वी हैव रिमूव्ड ओनली हैव पोर्शन वेरी गुड क्वेश्चन नाउ हाउ टू मैनेज डाइजोक्शन इंड्यूस डाइजॉक्सिन से डायरिमिया हो रहे हैं कैसे पेशेंट आपके पास आया आप कैसे डायग्नोज करोगे ठीक है? Sir, पहले टाइप का एरिमिया और वेंट्रिकल है नॉर्मली बीट कर रहे हैं नॉर्मली बीट कर रहे हैं मतलब आपने पेशेंट की पल्स देखी पल्स इज नॉर्मल पल्स क्या है नॉर्मल है मतलब रेगुलर है इफ पल्स इज रेगुलर दैट मीन्स एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर बीटिंग इन नॉर्मल फैशन डू यू एग्री बट आपने देखा पल्स ज्यादा आ रही है बट दिस पल्स इज वेरी हाई कैन बी कॉल इटैस टेकिकार्डिया कैन बी कॉल इट एस टेकी कार्डिया सेकेंड क्वेश्चन सर पल्स इज रेगुलर बट पल्स जो है बहुत ही कम आ रही है कैन बी कॉल इट एस ब्रेडिकार्डिया डाइजॉक्सन से ब्रेडिकार्डिया और थर्ड थिंग पल्स इरेगुलर आ रही है नाउ कैन यू टेल मी अगर पल्स इरेगुलर आ रही है तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर नॉट बीटिंग टुगेदर इन सिंक्रनी दे आर नॉट बीटिंग वो नॉर्मल फैशन में बीट नहीं कर रहे या तो एट्रिया ज्यादा बीट कर रहे हैं हमने नाम दे दिया एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन या फिर वेंट्रिकल ज्यादा बीट कर रहे हैं वेंट्रिकुलर फ्लटर एंड फेब्रिलेशन आई होप आप इजिली ईसीजी पे देख सकते हैं नाउ हाउ टू मैनेज इट इफ देर इज कार्डिया, सिंपली रिड्यूस द डोज ऑफ डाइजॉक्सिन गिव पोटेशियम क्लोराइड क्या देना है हमें बेटे पोटेशियम क्लोराइड देना है अगर पेशेंट को ब्रेडी कार्डिया हो रहा है एनी ब्रेडिकार्डिया द ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एट्रोपिन कोई भी ब्रेडिकार्डियो का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है एक्ट्रोपीन फाइन और फिब्रिलेशन एस ए नोड और एक प्रोप्रेनोलॉल यादोगे प्रोप्रेनोलॉल और वेंट्रिकुलर फ्लटर फिब्रिलेशन हो रहा है अभी हमने पढ़ा क्या देंगे वेंट्रिकुलर फ्लटर और फिब्रिलेशन में कौन सा ड्रग देना है लिग्नोकेन। अगर लिग्नोकेन ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा पेनीटॉइन ये क्लास वन बी एंटीरिदमिक ड्रग्स होते हैं सो आई होप सबको ये बात समझ आई सिंपल एंड इजी, है ना नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रग इंटरेक्शन ऑफ डाइजॉक्सिन। नाउ हु विल टेल मी द रीजन फॉर इट लूप एंड थाजाइड डायूरेटिक्स लूप और थाजाइड क्या होते हैं बेटे डायूरेटिक होते हैं दीज ड्रग्स दे इंक्रीज डाइजॉक्स इन टॉक्सिटी बिकॉज ऑफ दिस रीजन अवॉइड कंबाइनिंग लूप एंड थाइाइड ना विथ स्टूडेंट कैन टेल मी द रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द रीजन फॉर दिस वाई लूप एंड थाइड दे कैन लीड टू डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी बिकॉज लूप एंड था दे कॉस दे प्रोड्यूस हाइपोकैलीमिया लूप और क्या होता है बच्चे हाइपोकैलीमिया होता है एंड हाइपोकैलीमिया कैन कॉज टॉक्सीसिटी और एरिदमिया विथ डाइजॉक्सिन फाइन नाउ वन पॉइंट वन स्टेटमेंट वी शुड रिमेंबर दैट डाइजॉक्सिन इज एक्सक्रीटेड इन यूरीन बाई अ ट्रांसपोर्टर नोन एस पी ग्लाइकोप्रोटीन पॉइंट को हम याद रखते हैं डाइजॉक्सिन यूरीन में बॉडी के बाहर कौन से ट्रांसपोर्टर से निकलता है पी ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर से बाहर निकलता है नाउटेलमी पी ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर what they will do to digoxin can we say p-glycoprotein inhibitors they increase digoxin toxicity do you agree any reason who can tell me because p-glycoprotein inhibitor they inhibit excretion of digoxin in urine blood level of digoxin will increase and if blood level of digoxin will increase, it will lead to toxicity. And P glycoprotein inducer, they reduce the effect of digoxin. They reduce the effect of digoxin. I hope you have understood So, what are the examples of P glycoprotein inhibitors? And what is the example of ग्लाइकोप्रोटीन इंड्यूसर पी ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर हम एक न्यूमोनिक लिखेंगे क्वैक क्या लिखेंगे एक न्यूमॉनिक क्वैक एंड दिस इज अ वेरी वेरी कॉमनली आस्ट क्वेश्चन क्यू फॉर क्वेनिडीन वी फॉर वेरापा मिल एमियोडेरॉन क्लेरिथ्रोमाइसिन अभी रिसेंटली बच्चे लोग क्लेरिथ्रोमाइसिन पूछा गया था एंड इसका भाई एरिथ्रोमाइसिन एंड वन एंटी फंगल ड्रग कीटोकोनाजोल वन एंटी फंगल ड्रग कीटोकोनाजोल पी ग्लाइकोप्रोटीन इंड्यूसर वेरी कॉमनली आस्क क्वेश्चन रिफेम्पिसिन एक टीबी वाला ड्रग तो दीज आर द ड्रग इंटरक्शन ऑफ डाइजॉक्सिन दैट यू मस्ट रिमेंबर आई थिंक इट्स सिंपल एंड ईजी फॉर एवरी वन नाउ सबको समझ आ गई बात सबको समझ आ गई ड्रग इंटरशन ऑफ डाइजॉक्सिन वेरी गुड रिसेंटली वन क्वेश्चन के वेन क्लेरिथ्रोमाइसिन इज कंबाइंड विद डाइजॉक्सिन ये पूछा गया था इट लीड्स टू एरि कैन यू टेलमी द रीजन फॉर इट कौन सा बच्चा बताएगा थ्रोमाइसिन को अगर हम डाइजॉक्सिन के साथ कंबाइन करते हैं तो एरिदमिया होते हैं हु टेलमी द रीजन रीजन आप लिखोगे क्लैरिथ्रोमाइसिन इज अन इनिबिटर इट इनिबिट्स द एक्सक्रीशन ऑफ डाइजॉक्सिन इन यूरीन द ब्लड लेवल ऑफ डाइजॉक्सिन विल इंक्रीज विच कैन लीड टू एरिदमिया वेरी गुड सिमिलरली रेफेसिन भी आपसे पूछा गया है तो ये बात हमें याद रहेगी Now, the last point with digoxin is contraindications of digoxin. So, digoxin is contraindicated in first point digoxin is contraindicated in HOCM. Any student who can tell me the full form of HOCM? HOCM is hypertrophic obstructive cardiomyopathy. सर वाई डाइजॉक्सन इज कॉन्ट्राइंडेटेड इन दिस कंडीशन मक क्वेश्चन मार्क आई विल टीच यू द रीजन फॉर इट अभी रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों होता है डाइजॉक्सन इज कॉन्ट्राइंडेटेड इन सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मैलिटीज ना विच इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मैलिटी वी डोंट गिव डाइजॉक्सन थ्री अगर ब्लड में हाइपोकैलीमिया है मतलब पोटेशियम कम है ब्लड में हाइपोमैग्नेसीमिया है तब भी नहीं देते और अगर ब्लड में एक्सेसिव कैल्शियम है क्योंकि एक्सेसिव कैल्शियम विल गो इनटू द हार्ट इट विल इंक्रीज एरिदमिया ओके फाइन डाइजॉक्सिन शुड नॉट बी गिवन इफ देर इज ऑलरेडी एवी नोड ब्लॉक विच स्टूडेंट विल टेल मी बच्चे लोग वाई अगर पहले से एवी नोड ब्लॉक है हमें डाइजॉक्सिन नहीं देना बिकॉज डाइजॉक्सिन इट्स सेल्फ कॉजेस एवी नोड ब्लॉक इट लीड टू कंप्लीट हार्ट ब्लॉक देन डाइजॉक्सिन बताओ बच्चे लोग लिवर से निकलता है कि यूरिन में निकलता है अभी हमने क्या पढ़ा डाइजॉक्सिन सब यूरिन में निकलता था थ्रू पीग लाइकोप्रोटीन सर डाइजॉक्सिन इज कॉन्ट्राइंडेटेड इन रीनल फेलियर Because digoxin is excreted out in urine. Digoxin is contraindicated in thyroid abnormalities. Because it can lead to both hypo and hyperthyroidism, it can precipitate arrhythmias. Dijoxin is contraindicated in WPW syndrome. Now, sir, what is this WPW syndrome? It stands for wolf. पार्किंसन वाइट सिंड्रोम नाउ जस्ट मार्क अ क्वेश्चन मार्क सरवाइव वी विल कम बैक टू इट एंड लास्टली डाइजॉक्सिन इज कॉन्ट्राइंडेटेड वेन वी आर गिविंग कार्डियोवर्जन जब हम कार्डियोवर्जन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह दे रहे हैं तब हमें डाइजॉक्सिन उस समय नहीं देना इट कैन प्रेसिपिटेट ए क्योंकि डाइजॉक्सन से अरिदमिया होते हैं वी शुड नॉट गिव नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड टू पॉइंट सर वट इज दिस डब्ल्यू पीडब्ल्यू सिंड्रोम एंड वट इज दिस एच ओ सी एम वाई डाइजॉक्सन इज नॉट गिवन सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट एच डब्ल्यू पीडब्ल्यू सिंड्रोम वॉल्फ पार्किसन वाइट सिंड्रोम तो बच्चे ये आपको हार्ड बिख रहे एग्री एग्री दिस इज द नॉर्मल कंडक्टिव पाथवे चलो नॉर्मल कंडक्टिव पाथवे बनाते हैं ऐसे नोट से एवी नोट एवी नोट से बंडल ऑफिस बंडल ऑफिस से पुर किंजे फाइबर्स दिस इज द नॉर्मल कंडक्टिव पाथवे नाउ वॉट हैपन्स इन डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम देर इज समब नॉर्मल कंडक्टिव पाथवे बिटवीन एक्ट्रिया एंड वेंट्रिकल इस नॉर्मल कंडक्टिव पाथवे के अलावा भी क्या होता है एक एबनॉर्मल कंडक्टिव पाथवे होता है तो देर इज एबनॉर्मल कंडक्टिव पाथवे बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल अब एक बात बताओ बच्चे लोग अगर इंपल्सिस एबनॉर्मल कंडक्टिव पाथवे से जाएंगी सो डोंट यू थिंक एवी नोड नॉर्मली प्रोड्यूसिस डिले से डिले होता है थोड़ा सा अगर एबनॉर्मल कंडक्टिव पाथवे से नर्व्स जाएंगी तो वेंट्रिकल बिकम्स प्री एक्साइटेड कुछ जल्दी एक्साइट हो जाता है वेंट्रिकल क्योंकि एबनॉर्मल कंडक्टिव पाथवे में देर इज नो डिले इसमें डिले नहीं होता जिसकी वजह से देर इज प्री एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल वेंट्रिकल कुछ जल्दी ही एक्साइट हो जाता है एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल अवेश्चन इज इन ईसीजी विच वेव डू यू थिंक कॉजेस प्रोड्यूस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कौन सी वेव वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बताती है सर दैट इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हम सब जानते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से क्या होता है वेंट्रिकल डीपोलराइज होता है इफ देर इज कंडक्शन थ्रू एब नॉर्मल पाथवे देर इज अ प्री एक्साइटेशन वेव वेंट्रिकल को जल्दी ही एक्साइट हो जाता है दिस प्री एक्साइटेशन और डेल्टा वेव्स, जैसे आप क्या बोलते हो डेल्टा वेव्स, विच इज सीन इन डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम विच टेल्स यू अबाउट प्री एक्साइटेशन जल्दी हो गया है ना जल्दी हो गया एक्साइट नाउ द पॉइंट इज वाई डाइजॉक्सिन इज कॉन्ट्राइंडेटेड digoxin is contraindicated in wpw syndrome the reason is digoxin blocks av node that means normal conductive pathway digoxin blocks नॉर्मल कंडक्टिव पाथवे सर अगर ये नॉर्मल कंडक्टिव पाथवे डाइजॉक्सिन ब्लॉक कर देगा तो बताइए कौन सा बच्चा मुझे बताएगा अगर ये नॉर्मल पाथवे ब्लॉक हो गया तो इंपल्सिस कहाँ से जानी शुरू हो जाएंगी इफ दिस नॉर्मल कंडक्टिव पाथवे इज ब्लॉक्ड द इंपल्सिस विल स्टार्ट गोइंग फ्रॉम एबनॉर्मल कंडक्टिव पाथवे सो डाइजॉक्सिन ब्लॉक्स नॉर्मल कंडक्टिव पाथवे दैट कैन इंक्रीज कंडक्शन फ्रॉम एब नॉर्मल पाथवे दैट इज वाई डाइजॉक्सिन इज एप्सुल्यूटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम आई होप सब बच्चों को ये बात समझ आई एंड द लास्ट पॉइंट इज डाइजॉक्सिन इज कॉन्ट्राइंडेटेड इन एच ओ सी एम डाइजॉक्सन इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडेटेड इन एच ओ सी एम एच ओ सी एम इज हाइपर ट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी तो सर जस्ट सी दिस पार्ट दिस इज नॉर्मल हार्ट यह नॉर्मल हार्ट है बेटा सबको दिख रहे नॉर्मल हार्ट अब इस नॉर्मल हार्ट पे सर यहां पर फोकस करो जहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क बताया ये नॉर्मल वेंट्रिकल है अब बेटा यहां पर फोकस करो दिस इज एच ओ सी एम दिस इज नोन एज एच ओ सी एम एच ओ सी एम में क्या हुआ सर ये वेंट्रिकल की मसल्स की यह जो सेप्टम है और वेंट्रिकल की मसल्स हैं इसकी क्या हुई हुई है हाइपरट्रॉफी हुई हुई है कैन यू सी यहां पर वेंट्रिकल की मसल्स की हाइपरट्रॉफी हुई हुई है एंड बच्चे वी ऑल नो द ब्लड विच इज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल गोज थ्रू एटा ब्लड जो है एटा में जाता है सब जानते नाउ टेल मी सींग दिस हार्ट इफ वी गिव आइनोट्रॉपिक ड्रग इफ वी गिव आइनोट्रॉपिक ड्रग इन एच ओ सी एम सर वट विल हैपन टू दिस वट विल हैपन टू दिस आउटलेट आइनोट्रॉपिक ड्रग वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है अगर वेंट्रिकल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो ब्लड है ये जो आउटलेट है ये ब्लॉक हो जाएगा सो आइनोट्रॉपिक ड्रग दे इंक्रीज आउटलेट दे एनहेंस ऑब्स्ट्रक्शन इन एओटिक आउटलेट आई होप ये बात समझ आई तो अगर ज्यादा वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो इतनी ज्यादा मसल्स होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगी और वेंट्रिकल से एओटा में ब्लड नहीं जाएगा और पेशेंट मर जाएगा सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एच इन ट्रीटमेंट ऑफ एच ओ सी एम वी गेव नेगेटिवली आइनोट्रॉपिक ड्रग We give negatively inotropic drugs. Digoxin is positively inotropic drug. Here we give negatively inotropic drug. That means we reduce force of contraction. We reduce force of contraction in HOCM, and the drug of choice is beta blockers. So, what is the drug of choice in beta blocker uh, in HOCM? Beta blocker. But remember, beta blockers are contraindicated in asthma. In cases of asthma, we give verapamil. Can you tell me what is verapamil? That is calcium channel blocker. That is calcium channel blocker. And the last point is. A new drug for HOCM. A new drug for HOCM is Mavacamten. A new drug recently got approved for HOCM is Mavacamten. Mavacamten is myosin inhibitor mavacamptan is myosin inhibitor it inhibits the binding of actin and myosin together a new drug recently got approved for hocm so this is all about digoxin a very important drug for you i hope you have enjoyed this session as i have enjoyed a lot Now, Bachche, if you have any doubts, you can ask me all your doubts by joining PW channel. It is available on Telegram, Instagram, Facebook, or simply you can search for my name and you can ask all your queries. Okay? सचिदानंद लेट मी फिनिश सर्टन टॉपिक्स देन वी विल स्टार्ट विद प्रिपरेशन और ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फाइन सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन मजा आया डाइजॉक्सिन के बारे में पढ़ के अच्छा लगा डाइजॉक्सिन आजी हर्षित हर्षित यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस चैनल इफ यू हैव मेनी डाउट्स यू कैन डॉन यस yes, हर्षित ऐसा कुछ नहीं है जितने मर्जी सवाल पूछो यार मी एनीथिंग बेटा कोई भी डाउट आ रहा है फार्मा में आप पूछिए मेरे से ओके यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी यस बेटा एनी डाउट यू कैन यस यस यू कैन आस्क मी एनी डाउट इट डेंट मैटर आपने मेरे से कहां पे पढ़ाई की है डेंट मैटर हमारा काम है आपको पढ़ाना आप कहीं भी पढ़ो यस सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन ऑफ डाइजॉक्सन रिमेंबर ईच एंड एवरी लाइन आई हैव इज एन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाइजॉक्सिन को आपने दिल से याद करना है ठीक है यू हैव टू लर्न डाइजॉक्सिन बाई हार्ट So thank you very much. You have any doubt, you can ask me on PW Medit channel. Thank you very much. Keep learning.